अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अतीक रहमान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपना टैक्स जमा कराया हुआ है, टाइमली सबमिट किया हुआ है, तो आप अपना स्टेटस, एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, और फिर आप अगर आपका स्टेटस एक्टिव है तो आप उससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, जो भी आपको डिफरेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं टैक्स के कम रेट के हवाले से। तो बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस। ये सबसे पहला लिंक हम ओपन कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। इस विंडो में आते हैं, इसके अंदर ये कॉन्टेंट में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के कॉन्टेंट में इसने चार चीजें दी हुई है। सबसे पहले है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, उसके बाद इंक्लूजन इन ATL, चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस, एक्टिव टैक्स पेयर बेनिफिट। तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस कैसे चेक करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले तो इसने बताया हुआ है यहाँ पे कि एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस कैन बी चेक इन फॉलोइंग थ्री वेज। सबसे पहला वे है थ्रू वेरिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, दूसरा है चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस बाय SMS, और तीसरा है चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस बाय डाउनलोड ATL लिस्ट। तो सबसे पहले हम जाएंगे जो फर्स्ट तरीका उसने बताया हुआ है सिस्टम ने, उस पे जाके चेक कर लेते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो आसान लगता है, आप उसको चूज कीजिएगा। सबसे पहला तो हम इस पे जाते हैं, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप सबसे पहले पैरामीटर है, पैरामीटर में आपने ये सिलेक्ट कर लेना है NTN, CNIC, पासपोर्ट नंबर, इनकॉर्पोरेशन नंबर। अगर आपकी कंपनी है तो NTN से सर चेक करेंगे और इनकॉर्पोरेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो CNIC से चेक करेंगे, अगर फॉरनर हैं तो पासपोर्ट नंबर से चेक करेंगे। फिलहाल मैं CNIC चूज करूंगा इंडिविजुअल की बेसिस पे। यहाँ पे मेरे पास CNIC ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर दूंगा, करंट डेट आज की डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैं कोड इंटर करता हूँ और देखता हूँ, कोशिश ये करनी है कि कोड जो है आपका वो एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो आपको शो नहीं करेगा प्रॉपर रिजल्ट। अब अगर आप देखेंगे तो एक विंडो ओपन होगी सामने। अब उसमें पता चल रहा है, उसमें लिखा हुआ सबसे ऊपर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा आपका, जो भी CNIC है या आपका NTN नंबर है तो वो आपको मैंशन होगा। यहाँ पर नेम आ रहा है, यहाँ पे बिजनेस नेम आ रहा है, अगर आपका कोई बिजनेस नेम आप पे इस CNIC पे रजिस्टर है या नहीं है। फाइलिंग स्टेटस आ रहा है, यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस में वो यहाँ पे दिखाएगा एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। फाइलिंग स्टेटस चेक डेट आज की डेट मेंशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आज तक आपका स्टेटस एक्टिव है। या इसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, ये आएगा सामने, आप इसको प्रिंट कर लें यहाँ से, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस सेकेंड स्टेप की तरफ। अब दूसरा तरीका जो है चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस बाय SMS। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप सबसे पहले ATL टाइप करेंगे, स्पेस देंगे और अपना 13 डिजिट का CNIC नंबर मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप उसको सेंड कर देंगे 9966 पे। तो ये सेम तरीका आपका AOP और कंपनी के लिए भी है, सेम प्रोसीजर, जिसमें आप ATL लिख के स्पेस दे के 7 डिजिट का NTN नंबर डालेंगे और 9966 पे आप सेंड कर देंगे SMS को, तो आपको स्टेटस आपका रिप्लाई के तौर पे आ जाएगा कि आपका एक्टिव है या नहीं है। अब इसी में एक और ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, AJK से हैं, तो तब आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है उसके लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए आपको सेम AJK ATL लिखना है और CNIC डालना है और उसको 9966 पे सेंड कर देंगे आप। इसी तरह NTN है, उसके लिए भी अगर आप कंपनी हैं तो NTN AJK लिखेंगे, उसके बाद NTN डालेंगे और फिर आप उसको 9966 पे सेंड कर देंगे। थर्ड तरीका है चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस बाय डाउनलोड ATL। जैसे ही आप ये डाउनलोड इस लिंक पर क्लिक करेंगे, एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वो फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। मैं यहाँ पे आता हूँ इस फाइल में और मैं यहाँ पे आके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Part 1, Part 2, Part 3 टिल Part 8 तक आपको 8 शीट्स दिख रही हैं। आपने आसान तरीका यह है कि आपने शिफ्ट प्रेस करके पहली शीट ओपन ही होगी, आपने लास्ट शीट जो है 8 शीट Part 8 उस पर क्लिक करेंगे तो सारी शीट सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल एफ करें और CNIC आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो पूरी सर्च हो जाएगी और सारी लिस्ट, और उस लिस्ट में आपको दिख जाएगा
कहाँ पे आपका नाम आ रहा है उस लिस्ट के अंदर और वो आपका इस लिस्ट के अंदर नाम है या नहीं है। तो ये है आसान तरीका जो आप शीट से भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और SMS के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में और वीडियो भी मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।